हम जो अगला भजन गाने वाले हैं, क्या होता है कि जब ये जो भजन वाली जो लाइन है उसमें हम भजन गाते हैं, हम चेतावनी भजन गाते हैं, कहते भी हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि आप जागो उठो और अपने अंदर झांको, लेकिन हम भूल जाते हैं कि महिलाएं भी इस भजन मंडली में पूरा भागीदारी लेती है, लेकिन उनको समाज करने नहीं देता है। समाज आज से नहीं, ठेठ से ही समाज महिलाओं को कुछ भी करने नहीं देता। जैसे कि मीरा भाई ने भक्ति के लिए बोला तो पूरा समाज ने पूरे उनका विरोध किया था। वैसे ही एक रानी रूफा दे नाम है उनका, रानी रूफा दे, उन्होंने भी भक्ति के लिए वो किया तो उनको उनका भी विरोध उनके पति ने किया था, रावण माल दे ने। तो ये रूपा दे का भजन है, जो रूपा दे जब मीरा का समाज ने विरोध किया था, रावल दे रूपा का कर रहा है, तो रूपा रूपा का विरोध करता है रावल दे। तो एक दिन रूपा के गुरुजी कहीं भजन में आने आए थे, तो गुरुजी ने बोला कि रूपा को बुलाओ यहाँ पर। तो रूपा के पास समाचार गए तो रूपा ने बोला कि मैं मेरे घर में मुझे आने नहीं देता है मेरे पति, और मैं कैसे आऊंगी, रावल दे आने नहीं देगा मुझे। तो फिर भी रूपा मुश्किल से वहां गई, उनके वहां गई, वहां चली तो गई, लेकिन पीछे से रावल दे के दो पत्नियां थी। तो दूसरी वाली ने जाकर रावल दे को कहा कि रूपा अपने कक्ष में नहीं है और रूपा यहाँ है ही नहीं महल के अंदर। तो रावल दे को गुस्सा आया, रावल दे उस राजा को गुस्सा आया, और उसने अपना सैनिक भेजा कि तुम पता करके आओ। तो जब सैनिक पता करने गया तो सैनिक को पता चला कि भजन बोली रूपा और मस्त है, तो वो बाहर से उसकी चप्पल लेके आ गया, एक चप्पल लेके आया। तो चप्पल लाके रावल देव को दिया, तब रावल देव ने और गुस्सा किया, और रावल देव बोला कि आज तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, रूपा को, रूपा रानी रूपा देव को हम रखूंगा ही नहीं, मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो रावल देव वहां घर से नंगी तलवार लेके घोड़ी की सवार होके घर से निकला, और इधर रूपा का टाइम हो गया था 4 बजे वापस आने का, क्योंकि 4 बजे तक रात की, सुबह सुबह की 4 बजे तक भजन खत्म हो जाते हैं। तो रूपा दे जैसे बाहर निकली, रूपा को पता चला कि मेरा चप्पल नहीं है, एक एक मोजरी नहीं मिल रही। तो रूपा ने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब आप बचाने वाले हो, क्योंकि मुझे पता कि मेरी चप्पल कहाँ है, क्योंकि उसको पता था कि चप्पल गई और रावल दे आज तो कुछ ना कुछ होने वाला है। तो रूपा भी आ रही थी उधर से और रावल दे भी इधर से जा रहे थे, तो रस्ते में दोनों मिल गए। अब रूपा को पता चल गया, रानी रूपा को पता चल गया कि गुस्से में है और आज कुछ करेगा, क्योंकि हाथ में नंगी तलवार थी। तो रूपा के हाथ में थाली थी और उसने ऐसे झूठ बोल दिया कि मैं तो, वो बोला कि आप कहाँ गए थे इतनी रात को और अब कहाँ से आ रहे हो। तो उसने रूपा ने अचानक से बोला कि मैं तो आपके लिए फूल लाने के लिए गई थी बाग में। तो उसने बोला तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फूल लाने नहीं गई थी, मुझे पता कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा चप्पल मेरे पास है और तुम कहाँ थी, मैंने अपना आदमी भेजा वहां देखने के लिए, तुम वही थी और तुम बोल रही हो मैं फूल लाने के लिए, कि बताओ थाली। तो थाली से जैसे ही कपड़ा हटाया तो तरह तरह के फूल थे उस थाली में। तो रावल देव का घमंड टूटा, रावल देव को समझ में आया कि इसकी भक्ति, इसमें कुछ जादू है, रूपा में कुछ ना कुछ इसका जादू है। तो रावल देव ने बोला कि चलो रूपा, तुमने साबित कर दिया कि तुम फूल लेने की, मुझे पता कि तुम कहाँ थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति में जादू है, तुम्हारी भक्ति में शक्ति है, तो मुझे भी ये भक्ति करनी, कैसे करूं बताओ। तो फिर रूपा ने बोला आपके बस का नहीं है, क्योंकि आपको तो आपकी घोड़ी का घमंड, आपको आपकी तलवार का घमंड, आपको आपकी महल का घमंड, आपको अपनी पैसों का घमंड, आपको महिलाओं का घमंड, तो ये सब घमंड टूटे रावल दे तो आप संत बन सकते हो, आप बिन बाकी संत बने आपके बस का ही नहीं। फिर भी रूपा ने बोला ठीक है आपकी इच्छा हो रही है तो मैं आपकी परीक्षा लूंगी, आप देख लेते हैं, आप अगर बन जाते हो तो फिर ठीक है। तो उस भजन का नाम है हो जाओ संत सुधारो थो की काया। तो रावल देव ने उसी वक्त बोला कि अभी इस घोड़ी को काट देता हूँ, लो तुम बोलो दो। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं, इनको ऐसे छोड़ना का मतलब ऐसे नहीं कि काट दो या फिर महल को आग लगा दो या फिर कुछ भी बोल दो, ऐसे नहीं, अंदर की काया से आपको संत बनना पड़ेगा, बाहर वाली इसे नहीं, आप कुछ भी किसी से भी कुछ भी कर लो, लेकिन अंदर से जब तक संत नहीं बनोगे रावल देव, तब तक आपकी भक्ति नहीं हो सकती, ना आप सफल हो सकते हो। तो रूपा ने इस भजन में अपने पति को समझा रही है कि ये करना पड़ेगा आपको, तब आप अच्छे संत बनोगे। बड़ा भया तो क्या भया, और जैसे पेड़ खजूर अंति की छाया नहीं,
लागे तिरूर। बड़े बड़ाई ना करे और बड़े ना बोले बोल, मीरा मुख से कद कहे ए बैलाक हमारा मोल। I love you।
अपने पति को समझा रहे कि आप मतलब आप पहाड़ पे अगर पहाड़ के ऊपर हल चलाकर आप फसल लगाओगे तो हानि होगी, आप डंग की जगह पर बीज डालो ताकि हाथ फसल हाथ तो लगे, नहीं तो पहाड़ पे क्या मिलेगी आपको। तो उसी तरीके से सारी चीजें हैं, कड़वा नीम, निम्बोला जारी, मिट्टी, तो हम छोटे छोटे में चलेंगे। नेक्स्ट।